हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं ठीक ठाक ही होंगे। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं RRVLV टेक्नीशियंस भर्ती, जो 2024-25 में होने वाले हैं, उसके लिए प्रैक्टिस मॉक टेस्ट, जो ये छठा वीडियो है। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जिस तरह का मैंने क्वेश्चन इसमें लिए हैं, वह क्वेश्चन आपको ज़रूर करनी चाहिए एग्जाम से पहले, जिसमें कि मैथ और रीजनिंग के प्रश्न को हमने लिया है। तो देखिएगा, अच्छा प्रश्न है, ज़रूर करने का कोशिश कीजिएगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए, शुरुआत में मैंने कुछ हल्का क्वेश्चंस लिए हैं, जो कि हालांकि पूरे हल्का नहीं है, जो प्रैक्टिस के लिए बिल्कुल ठीक ठाक है। यहाँ पर कह रहा है, एक ट्रेन एक स्टेशन प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार करती है और प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करती है। यदि ट्रेन की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी? देखिए, वीडियो करने से मेरे करने से पहले आप भी वीडियो रोक कर बनाने का कोशिश करें, जिससे कि आपको ज़्यादा फायदा होगा। देखिए, यहाँ पर हम जो है ट्रेन की लंबाई को हम कुछ मान लेते हैं, तो ट्रेन की लंबाई को हम टी मान लेते हैं और प्लेटफॉर्म की लंबाई को हम पी मान लेते हैं। ओके, ये मैंने किया। जो कि देखिए, दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। यहाँ हम बेसिक से भी लेकर चलेंगे और जहाँ शॉर्टकट काम करेगा वहाँ शॉर्टकट भी लगाएंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए, तो चाल इंटू समय होता है, तो मेरे पास ट्रेन की चाल है, ट्रेन की चाल है, कहीं ना कहीं ये दोनों मिलकर दूरी ही तो है ना। तो चाल कितना 54 और समय कितना 36 सेकेंड। जब ट्रेन स्टेशन प्लेटफॉर्म को पार करता है, तो ट्रेन खुद की लंबाई को पार करता होगा प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करता होगा, है ना। तो टोटल दूरी यहाँ पर, तो इस हिसाब से यहाँ पर टी प्लस पी जो निकल कर आएगा 54 गुना 36। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये किलोमीटर में दिया है, बाकी बात ये आपका सेकेंड में दिया है, तो इसको आप किलोमीटर में चेंज कर दीजिए, 5/18। ओके, तो यहाँ से 18 दिया और 36 पंचे 180 और 3 540, यानी टी प्लस पी जो आया 540। ओके, तो ये ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों मिलाकर 540 आए हैं। ठीक, अब अगला देखते हैं क्या कह रहा है। और प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 20 सेकेंड में, यानी ट्रेन जो है, सिर्फ आप प्लेट करने का मतलब ट्रेन अपनी खुद की लंबाई को पार कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ट्रेन की ही तो ये दूरी है। मेरी बात को जरा ध्यान से समझने का कोशिश कीजिए, ताकि आसानी से ये प्रश्न बन जाएगा। ट्रेन खुद की लंबाई को पार करेगा, व्यक्ति की लंबाई को यहाँ हम शून्य मानेंगे, कोई व्यक्ति 3-4 कट्ठा का तो होता नहीं है, क्योंकि उसकी दूरी को काउंट करनी होगी, है ना। तो टी मानते हैं और यहाँ पर जो इसकी चाल है 54, ट्रेन अभी भी वही स्पीड से चलेगा, है ना, और ये 20 सेकेंड में, यानी ट्रेन खुद की लंबाई को 20 सेकेंड में, तो इस ये जो किलोमीटर में है, इसको आप मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लीजिए और समय कितना 20। अब यहाँ पर आप लोग सोच सकते हैं कि यहाँ पर मैंने चेंज किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप 5/18 से किधर गुना कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये 3 बार में ख़त्म। तो यहाँ से कितना आ गया, 20 पंचे 100 300, कितना आ गया 300। तो एक बात बताइए, अब तो आसानी से आंसर निकल जाएगा, हमसे पूछा क्या है, प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों का योग कितना है 540, जिसमें कि ट्रेन का सिर्फ लंबाई 300 है। या तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं, टी प्लस पी जो आया 540 और टी का मान 300 निकला, तो प्लेटफॉर्म चाहिए 540, तो यहाँ से प्लेटफॉर्म कितना निकल जाएगा 240। ये आपका राइट
आंसर हो जाएगा। ओके, उम्मीद करते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट, आप यहाँ पर अगर क्वेश्चंस को मिस करते हैं तो फिर आपके लिए ही नुकसान से। देखिए, बेलन, क्या बेलन जिसका आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर, यानी कि बेलन है, बेलन तो आप जानते ही होंगे, है ना, ये कुछ इस प्रकार से बेलन बनता होगा, जिसकी व्यास यानी यहाँ से यहाँ तक टोटल दूरी कह सकते हैं, आधार आधार और ऊंचाई दोनों इसका सेम ही होगा, बात समझ रहे, या नीचे साइड ऐसे लीजिए चाहे ऊपर साइड, दोनों एक ही बात है, जो कि हमें दे दिया है 10 सेंटीमीटर, और ऊंचाई इसकी टोटल जो हाइट है ये हमें जो दे दिया है 20। ठीक है, तो बेलन के बारे में हमें सब कुछ पता चल गया। अब इसको बोल रहा, उसे शंकु में परिवर्तित करने में व्यर्थ होने वाली सामग्री का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, व्यर्थ होने वाली सामग्री की पता कीजिए, यानी इसमें एक शंकु बना लिया, इसी बेलन से एक शंकु का निर्माण कर लिया, एक शंकु का निर्माण कर लिया, तो लेकिन जो शंकु बनाने में कुछ मटेरियल इसका लगा होगा, कुछ बर्बाद हुआ होगा, तो वही पूछ रहा है कि जो बर्बाद हुआ है उस कितना परसेंट बर्बाद हुआ है, बात समझ रहे। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप ध्यान से पढ़ें तो यदि शंकु का आधार बेलन के आधार के बराबर, यानी जितना इसका व्यास है उतना ही इसका भी व्यास है, क्या बात को समझ रहे हैं, ये भी 10 सेंटीमीटर बराबर है, लेकिन उसकी ऊंचाई बेलन से दोगुनी है, यानी ये जो शंकु की ऊंचाई है, बेलन की ऊंचाई कितनी 20 है, लेकिन इसकी जो ऊंचाई है वह इसकी दोगुनी है, यानी 40 सेंटीमीटर। यहाँ बिल्कुल मैं धीरे धीरे समझा रहा हूँ, प्यार से समझा रहा हूँ ताकि समझ में आए, है ना, तो 40 सेंटीमीटर है। तो अब क्या दे रही, दोनों का मैं आयतन निकाल लूँगा, जहाँ देखेंगे कि कितना लॉस हो रहा है। अगर मैं इसका आयतन निकालूँ तो बेलन का आयतन क्या, πr²h, ये ना, ये बेलन का आयतन है, तो बेलन यहाँ पर मैं 22/7, r कितना, यानी ये व्यास दिया हुआ है, r क्या होता है इसकी आधी, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी ही त्रिज्या होगी, टोटल 10 है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या 5, यानी 5 का स्क्वायर, तो मतलब 5 × 5, h कितना 20, h कितना है 20। तो अब इसको हल कीजिए, जो भी आए तो देख लेना है, लेकिन एक तरीका और भी है, यहाँ तो यहाँ से तो फिर आप दोनों का निकालिएगा, ये इसका आयतन, यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन भी हार्ड हो जाएगा, इधर भी फिर इसका आयतन निकालिएगा 1/3πr²h, है ना, तो थोड़ा सा ज़्यादा आपका टाइम लगेगा, तो टाइम कम लगे इसलिए इसका एक अलग तरीका भी है कि आप अलग तरीके से निकाल सको। जैसे देखिएगा, मैं इसको मिटा रहा हूँ, हम बात को समझिए, ये हमारा बेलन है, तो दोनों के आयतन को मैं अनुपात निकाल लेता हूँ, दोनों का आयतन का अनुपात, बेलन का आयतन πr²h, शंकु का आयतन 1/3πr²h, इसकी हाइट कुछ अलग है तो इसकी हाइट को बड़ी h मान लेता हूँ, और दोनों की त्रिज्या, मतलब कि दोनों का जो त्रिज्या बोला, व्यास जो आधार जो है समान है, इसका मतलब इसीलिए दोनों का त्रिज्या मैंने समान ले लिया। तो अब यहाँ से देखिए कितना का लॉस होगा, आसानी से निकलेगा, अब यहाँ से पाई से पाई कटा सकते हैं क्या, आपका जवाब होगा बिल्कुल कटा सकते हैं, r² से r² कटा सकते हैं क्या, क्योंकि दोनों का जो व्यास है सेम है, इसीलिए मैंने कटा दिया। एच कितना 20, और यहाँ पर 1/3, इसका एच कितना 40, कितना 40, तो यहाँ से इसको अगर कटा पिटा के देखें तो ये एक यानी दो बार में, तो ये कितना आ गया 3:2,
बेलन का जो आयतन का अनुपात है 3 और शंकु का जो आयतन का अनुपात है 2। तो देखिए यानी कहने का मतलब ये 3 यूनिट है यानी इसका टोटल आयतन 3 यूनिट है, इसका टोटल आयतन जो है 2 यूनिट है। मेरी बात को समझने का जरा कोशिश कीजिएगा, जल्दी बनेगा, हालांकि उससे बनाइए बनेगा, लेकिन वहां पर आपको कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2 यानी टोटल 3 था, 3 में से 2 खर्च हुआ, 3 में से 2 खर्च हो गया, तो बचा कितना? तो आपका जवाब होगा, देखिए इसको मिटाना, ओके। तो यहाँ पर देखिए 3 में से 2 का यूज हुआ, बर्बाद कितना हुआ है? 1। टोटल कितने पर में 3 में से, तो परसेंटेज के लिए क्या करते हैं 100 से गुना, तो कहीं ना कहीं ये आ जाएगा 33.33%। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो ये इससे आसानी से निकलेगा। हमने इसलिए कहा है कि यहाँ पर देखिए जो नॉर्मल छात्र है उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि जो मतलब कि एवरेज स्टूडेंट हैं वो कर सकते हैं, जो एकदम सुपर फास्ट हैं वो सब भी कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल स्टूडेंट इन सब क्वेश्चन से अभी मेरे में से भेंट नहीं हुआ होगा। हालांकि अगर हुआ भी होगा तो कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस हो सकती है आपकी। चलिए नेक्स्ट देखिए, वन मिनट में थोड़ा सा इसका डार्क कर लूं, ये जो है आज मैंने नया ऐप इंस्टॉल किया है, देखते हैं चलाने में अच्छा लगता है ठीक है, नहीं तो फिर इसको भी रिप्लेस कर दूंगा। ये जो पढ़ाने वाला एप्स है ये नया एप्स मैंने इंस्टॉल किया है। तो देखिए यहाँ पर क्या करें, इस प्रश्न में 3 कथन, उसके बाद ये कहते हैं कि जब इस तरह का क्वेश्चन हो इसको मत पढ़िए टाइम वेस्ट करने के लिए, आप डायरेक्ट इसको पढ़ा कीजिए, कथन क्या कह रहा है, उसके बाद निष्कर्ष क्या कह रहा है। तो हमारे ये 3 कथन है और ये 3-2 निष्कर्ष है। चलिए करते हैं इसको कैसे किया जाता है, तो डायग्राम के तरीके से इसको करना ठीक ठाक रहेगा, गलती होने के चांस कम रहेगी। कुछ मुंबई दिल्ली है, कुछ मुंबई दिल्ली यानी एक मुंबई का मैंने डायग्राम बनाया, ये वाला जो डायग्राम है तो हमने मुंबई का बना लिया, और कुछ मुंबई जो है दिल्ली, ये वाला जो डायग्राम है हमने दिल्ली का बना लिया, ओके। अब दूसरा कथन को देखते हैं, कुछ कलकत्ता मुंबई यानी मुंबई का कुछ हिस्सा वो कलकत्ता है, ठीक, ये बात होगी, कुछ कलकत्ता मुंबई है या तो कुछ मुंबई कलकत्ता होगा, ये बात सही है। कुछ चेन्नई दिल्ली है यानी कुछ चेन्नई दिल्ली यानी दिल्ली का कुछ हिस्सा चेन्नई में है, तो ये डायग्राम प्रॉपर बन गया। अब समझते हैं कि आंसर क्या निष्कर्ष निकल सकता है, 1 और 2 सभी कलकत्ता चेन्नई है। जी एक बात बताइए, प्रश्न में कब इसके और इसके बारे में कोई रिलेशन बताया था क्या, चेन्नई कलकत्ता का? नहीं ना, तो ना ही डायग्राम से शो भी हो रहा है, तो ये तो गलत, 1 नंबर गलत। देखिए आप एग्जाम में जब कर रहे हो आपके पास पेपर है होगा, तो पेपर में आप कथन को ऐसे लिख लीजिए 1 और 2 है ना, 2 को है, तो मैंने ये चेक किया कि ये वाला गलत है, तो यहाँ पर ये गलत, कोई चेन्नई कलकत्ता नहीं है। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, डायरेक्ट देखेगा कोई चेन्नई कलकत्ता नहीं, तो कोई चेन्नई कलकत्ता नहीं है। तो एक बात बताइए, कैसे आप कह सकते हैं कि कोई चेन्नई कलकत्ता नहीं है? अगर मैं इस डायग्राम को अगर बनाना चाहूँ पुनः मेरी बात को समझिएगा, तो जैसे इसने कहा क्या कहा, कुछ मुंबई जो है दिल्ली है ना, कुछ मुंबई दिल्ली है, कुछ कलकत्ता मुंबई है, यानी यहाँ ये वाला जो हिस्सा ये मुंबई का है, तो ऐसे भी कह सकते हैं कुछ कलकत्ता मुंबई है, बात समझ रहे, कुछ कलकत्ता मुंबई, भले ये दिल्ली के हिस्से में जा रहा है लेकिन ये तो मुंबई की भी तो हिस्से में आ रहा है, ऐसे भी तुम कह सकते हैं ना। दूसरा बात, कुछ चेन्नई दिल्ली है, कुछ चेन्नई दिल्ली है, तो हम दिल्ली का इस हिस्से से क्या हम चेन्नई को कनेक्ट कर सकते हैं क्या, इस हिस्से से? ये वाला जो हिस्सा है, मैं पेन चेंज कर थोड़ा सा समझाना, ये वाला जो हिस्सा है
ये कहीं ना कहीं दिल्ली का हिस्सा है कि नहीं? तो क्या कह सकते हैं कि यहीं से हम चेन्नई का हिस्सा को उठा लें, यहीं से हम चेन्नई का हिस्सा को उठा लें, तो कोई गलत होगा क्या? नहीं ना होगा। तो एक डायग्राम ये भी है और एक डायग्राम ये भी, दोनों डायग्राम इसका बन सकता है। तो इस हिसाब से अगर कह रहा है कि कोई चेन्नई कलकत्ता नहीं है, तो ये तो बात गलत है कि कुछ चेन्नई कलकत्ता के हिस्से में आ सकती है। जहाँ आ सकने वाली बात है वो गलत, यानी इसका मतलब दूसरा भी गलत। तो इसका आंसर होगा ना तो एक ना ही दो अनुसरण करता है। थोड़ा ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चंस मैं प्रायः डेली ला रहा हूँ ताकि आप लोगों का ये सब क्लियर हो सके। ओके, नेक्स्ट देखिए। यहाँ पर इस टाइप के भी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा क्या, एक दो क्वेश्चंस पूछ ही लेते हैं। देखिए, किसी निश्चित कूट भाषा में पुट टीफिन को, जब इस तरह का क्वेश्चंस हो तो आप सबसे पहले एक चीज अपने दिमाग में बैठाइएगा कि हमसे पूछा क्या है एंड के बारे में। अब मैं एंड को ढूंढने की कोशिश करूंगा कि एंड आखिर है कौन, तो आपको जवाब होगा कि यहाँ पर है एंड। ठीक है, जब एंड यहाँ पर है ना, इस वाले में एंड है, तो इस वाले में क्या क्या है? सीग, आई ओ एन, और ये फिन, या तो इसको लोन कह सकते हैं, लोन ही है। तो ये तीन चीज़ है, तो ऑप्शन में ये तीन चीज़ होना चाहिए, फिन, लोन, टीर, सीग। तो यहाँ पर क्या है? सीग, लोन, फिन, सीग, लोन, फिन, है ना? तो टीर वाली बात तो इस लाइन में नहीं आई है क्या, और एंड कहीं और दिख भी नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये टीर जो है इसका आंसर कभी नहीं हो सकता है। बात समझ रहे हैं? थोड़ा सा थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये सही मतलब कि एक सही तरीका होगा बिना लिखे, या तो फिर आप ऐसे लिखिएगा पूरा इक्वेशन उसके बराबर, ये जो दिया है पूरा लिखे उसके बराबर में इधर ये वाला जो है उसको लिखिएगा, तब जाकर आपको आंसर आएगा। ऐसे अन्यथा आप बिना किए कर सकते हैं, मतलब कि थोड़ा कम समय में कर सकते हैं सोचकर। अब मैं ढूंढने की कोशिश करूंगा, कहीं ना कहीं इन्हीं तीनों में हमारा आंसर है, इन्हीं तीनों में से कोई एक आंसर है। बात समझ रहे? तो अब मैं लीली ढूंढता, इन दोनों में से कुछ कोई एक चीज को मैं पकड़ता हूँ कि आखिर कहाँ है। तो इसमें लिली और फ्रूट बचा है, तो यहाँ पर हमें लिली नजर आ गया, यहाँ पे हमें लिली नजर आ गया, और इसका कोड हमें इधर दिया गया है, यानी इसका अर्थ जो है इधर मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, इसमें भी लिली और इसमें भी लिली है ना, इसमें भी लिली था और इसमें भी लिली, तो इन दोनों इसके कोड में भी मिलना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए सिग, और यहाँ पर भी सिग, यहाँ पर भी सिग, तो सिग का काम खत्म, सिग का काम खत्म, सिग अब आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि लिली का कोड हमें सिग मिल गया, या सिग का कोड हमें लिली मिल गया। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? यानी कोड लिली मिल गया, तो अब सिग आंसर नहीं हो सकता। अब एक लास्ट बचा है, क्या? फ्रूट। तो फ्रूट को हम ढूंढने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पर फ्रूट दिख रहा है ना? तो फ्रूट यहाँ तो है ही, हमें यहाँ दिखा फ्रूट, यहाँ पर फ्रूट दिखा, तो इसमें फ्रूट है और इसमें फ्रूट है, तो इसमें आई ओ एन है और फिन बचा हुआ है, आई यानी एल या जो भी समझिए एल है, तो यहाँ पर आई ओ एन और फिन हमें बचा हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो फ्रूट के लिए यहाँ पर देखिए फिन इसमें भी और फिन इसमें भी, फ्रूट इसमें भी और फ्रूट इसमें भी, इसका मतलब जो फ्रूट का है वह हमें FIN मिल गया, तो फिन भी आंसर नहीं, एक ही बचा, यही राइट आंसर। ये सही तरीका होगा करने का, थोड़ा आप दिमाग पर जोर डालिए, आसानी से हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट। देखिए, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के विपरीत में उत्कीर्ण एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? ये 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, ये मैंने एक वृत्त बनाया जो कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का है, तो त्रिज्या मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ, ओके, उसके अंदर एक
वर्ग बना दिया। क्या किया, इसके अंदर एक वर्ग बना दिया। ठीक है, तो यहां पर मैं एक पॉइंट दूं तो कहीं ना कहीं यहां से अगर मैं इसको मिला दूं तो ये त्रिज्या, क्या मेरी बात को समझ रहे हैं, जो कि 8 सेंटीमीटर दिया है, तो इधर भी तो त्रिज्य होता है इस पॉइंट से सेंटर से, ये भी 8, ये भी 8, तो यहाँ से ये 8-8 टोटल कितना 16, यानी विकर्ण हमें 16 मिल गया है। विकर्ण देखिए आसानी से करने के लिए बता रहा हूँ, हालांकि या तो फिर आप वृत्त से यहाँ से आप इस भुजा को निकालते हैं तब जाकर आंसर आता है, वर्ग की भुजा को निकालते हैं तब जाकर आंसर आता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि चतुर्भुज का एक क्षेत्रफल का एक सूत्र भी आपको पता होनी चाहिए, इसका जो क्षेत्रफल होता है, क्या वृत्त एक चतुर्भुज है कि नहीं, क्या होता है हाफ डी वन इंटू डी टू होता है, क्या मेरी बात से आप मतलब कि संतुष्ट हैं कि नहीं, तो बताइए जब वर्ग का विकर्ण दोनों के दोनों विकर्ण इक्वल होते हैं, चाहे आप इधर से बात करें चाहे इधर से, दोनों के दोनों इक्वल होते हैं, जब ये 8-8 16 तो ये भी क्या 16 ही तो होगा, है कि नहीं, ये मेरा विकर्ण है, ये जो टोटल है वो क्या है विकर्ण, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक विकर्ण, जो डी वन होगा वही हमारा डी टू भी होगा, क्या मेरी बात को समझ रहे, यानी डी वन बराबर डी टू होगा क्योंकि वर्ग है, तो अब यहाँ पर लगा दीजिए, आपको विकर्ण से भुजा निकालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो 16 विकर्ण क्या यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल, हमें सिर्फ त्रिज्या दिया था यहाँ से यहाँ तक की, वृत्त की त्रिज्या दिया था, बात समझ रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की दिया था हमने, टोटल विकर्ण यहाँ से यहाँ तक कर दिया यानी विकर्ण बना दिया, बात समझ रहे हैं, बस जहाँ पे कि हम फार्मूला लगा सकें, तो 16 × 16 तो ये 8 बार में कट जाएगा, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, उम्मीद करते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, कीजिए इस क्वेश्चन को, देखिए कोस 4a, कोस पर पावर 4a माइनस कोस पर पावर साइन पर पावर 4a, इसको हल करने के लिए बोला है, ठीक है, तो यानी इतना बराबर में क्या होगा, क्या हल करके आप निकाल सकते हैं, तो चलिए इस प्रश्न को करने के लिए सिंपल सा तरीका, यहाँ से इसको दो बार में तोड़ दीजिए, है कि नहीं, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, क्या मेरी बात को समझ रहे, क्या इतना को हम इतना लिख सकते हैं कि नहीं, इतना को हम इतना लिख सकते हैं, तो आपका जवाब होगा कि हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, है कि नहीं, तो आपको ये भी पता होगा कि इतना बराबर 1 होता है, कोस स्क्वायर थीटा या प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, तो ये क्या बचा 1 गुना कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, बस इतना बचा, इसको 1 से गुना करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इतना बराबर एक फार्मूला भी है, आप लोगों को मैंने कई वीडियो में बताया है कि इसका फार्मूला जो होता है कोस टू ए के बराबर होता है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो इसका आंसर हो जाएगा कोस टू ए। ओके, तो रट लीजिएगा, छोटा सा फार्मूला है जिससे कि आपको आसानी से आंसर मिल सकता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, रीजनिंग में इस तरह के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि विकल्प में से बेजोड़ को ज्ञात कीजिए, तो कैसे इसमें चुने कि बेजोड़ है, तो अगर मैं देखूं तो ये 5 5 सब में 5 लास्ट में 5 है, तो इसका मतलब सभी संख्या 5 से कटेंगे, सभी संख्या क्या होंगे 5 से कटेंगे, लेकिन इसके अंत में 9 है, तो ये 5 से नहीं कटेंगे और यही मेरा राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा, क्योंकि ये 489 जो है ये 5 से नहीं कटेगा, बाकी बात सभी 5 से कटेगा, ये इजी क्वेश्चन है और जल्दी पकड़ में आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट, अच्छे से रीजनिंग भी लिए हैं, देखिएगा ये क्वेश्चंस बनाइए,
ये सब बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा भी जाता है बार बार। भले इस तरह के क्वेश्चन सभी शिफ्ट में नहीं पूछता है लेकिन पूछता तो जरूर है। देखिए, एक चोर 400 किलोमीटर दूर शहर की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कार चलाते हुए भाग जाता है। चोर जो 30 मिनट बाद पुलिस 80 किलोमीटर की रफ्तार से पीछा करता है, पीछा करना शुरू करता है, और चोर के पकड़े जाने तक पुलिस ने कितनी दूरी तय की होगी, ये बात पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए, जैसे कहने का मतलब यहाँ से कुछ दूरी तक चोर यहाँ तक भाग गया हो, जो कि 30 मिनट तक भागा है ना, और वो भी कितनी की रफ्तार से, यानी चोर की जो रफ्तार थी वह थी 60 किलोमीटर पर आवर है ना, ये चोर की रफ्तार 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर इसको देखा तो यहाँ से पुलिस भी खदेड़ना शुरू किया, और वो 80 के रफ्तार से, ये पुलिस जो है वो 80 किलोमीटर पर घंटा के रफ्तार से पीछा करना शुरू किया। ओके, तो यहाँ पर अब ध्यान से मेरी बात को आप समझने का कोशिश कीजिएगा, तभी ये क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, चोर 30 मिनट लगा है यहाँ तक जाने में, यहाँ से यहाँ तक जाने में 30 मिनट, तो कुछ तो दूरी तय किया होगा, मेरी बात को समझिएगा, कुछ तो दूरी यहाँ से यहाँ तक जाने में तय किया होगा। तो दूरी बराबर क्या, चाल इंटू समय यानी स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस बराबर है ना, तो डी हमें निकालनी होगी। तो चोर कितने स्पीड से भाग रहा था, 60 के, समय कितना 30 मिनट, मतलब क्या आधा घंटा, आधा घंटा। तो यहाँ से कह सकते हैं कि ये जो है 30 किलोमीटर भागा, कितना भागा यानी इसकी जो दूरी है 30 किलोमीटर दूरी है, ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक 30 किलोमीटर दूरी है, क्या मेरी बात को समझ रहे हैं, 30 किलोमीटर तक दूरी है। तो अब मेरी बात को यहाँ पर गौर से थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा, ये 30 किलोमीटर दूरी निकल गया यहाँ से यहाँ तक, तो इसी दूरी को अगर ये 80 के रफ्तार से चले तो टाइम फिर कितना निकलेगा, कौन, पुलिस, मैंने चोर को भगाया यानी वो 30 किलोमीटर चला, अब मैं कहता हूँ पुलिस इसी दूरी को चले तो टाइम इसका क्या होगा, टाइम बराबर क्या, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कितना 30, और यहाँ पर रिलेटिव स्पीड लगेगा क्योंकि देखिए चोर भी भाग, पुलिस भी भाग रहा है और चोर भी भाग रहा है, चोर भी भाग रहा है, तो ये 30 किलोमीटर कवर करेगा, और स्पीड क्या, यहाँ पर जो स्पीड लगाइएगा रिलेटिव स्पीड, तो जब दोनों एक ही साइड भागे चोर और पुलिस, तो जिसका वेग ज़्यादा होगा उसके वेग में कम वाले वेग का घट जाएगा है ना, तो 80 में से 60 कम, तो यहाँ से अगर टाइम देखा जाए तो कितना आ जाएगा, 30/20 यानी कहने का मतलब 3/2 घंटा, 3/2 घंटा, क्या मेरी बात को समझ रहे हैं। अब टाइम तो हमें पता चल गया, अब ओरिजिनल में सिर्फ इसको भगा दीजिए कितना देर, 3/2 घंटा तक, मेरी बात को समझ रहे हैं, 3/2 घंटा तक सिर्फ आप पुलिस को भगा दीजिए, तो अब दूरी क्या निकलेगा, सिर्फ ये इसमें एक ही कॉन्सेप्ट है, चाल बराबर दूरी बटे समय, तीसरा कोई कॉन्सेप्ट नहीं, बाकी बात आपको समझना पड़ेगा कि कैसे किया जाए। तो अब मैं सिर्फ पुलिस को भगा रहा हूँ, पुलिस का स्पीड कितना 80, टाइम कितना 3/2, तो यहाँ से कटाइएगा तो ये 40 और ये 40 दिया है 120, ये टोटल दूरी जो इसने चला वह 120 किलोमीटर तक भागा पुलिस, बात समझ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा समझने का ध्यान से कोशिश कीजिए तो समझ में आ जाएगा, नहीं समझ में आएगा तो एक दो बार देखिएगा, हो सके समझ में आ जाए, क्योंकि दोस्त मैं सभी को तो नहीं समझा सकता हूँ ना, मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ये प्रैक्टिस पेपर मैंने लिया है, कोई बेसिक क्लास तो लिया नहीं है कि जो कि पूरा बेसिक से बताऊँ, बेसिक से बताने में ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 क्वेश्चंस होगा, मैंने इसमें लगभग
31 क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। ओके, तो यहाँ पर देखिए 36, 75, 149 संख्या में 5 के स्थानीय मान और जातीय मान के बीच क्या अंतर है। ठीक है, तो स्थानीय मान क्या होता है, जैसे कहने का मतलब अगर कोई भी संख्या है, जैसे 5 का स्थानीय मान पूछा है तो 5 लिख दीजिए, उसके बाद जय गो संख्या है उतना 0 बैठा दीजिए, 1, 2, 3, तो ये 3 गो 0, तो ये हमारा स्थानीय मान हो गया। जातीय मान क्या होता है, 5 का जातीय मान पूछा है, यानी 5 खुद एक जातीय मान है, क्या है, सिर्फ 5 व खुद की वैल्यू ही जातीय मान होती है, यानी जातीय मान जो होगी वह 5 होगी, और इनके बीच का अंतर पूछ रहे थे, इन दोनों का अंतर कितना, तो सीधा सीधा दिखेगा 4995, घटा दीजिए आसानी से आंसर। ओके, नेक्स्ट देखिए, यदि पीले को नीला, नीले को सफेद, तो ये पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं इसके लिए आपको एक टिप्स बताता हूँ, डायरेक्ट पढ़िए कि पूछ क्या रहा है, दूध का रंग क्या होगा, क्या आपको पता है कि दूध किस कलर का होता है, तो आपका जवाब होगा कि हाँ बिल्कुल पता है कि सफ़ेद कलर का होता है, तो आप ढूंढ रही है ना सफ़ेद को क्या कहा जा रहा है, सफ़ेद को क्या कहा जा रहा है उसको ढूंढना है, तो सफ़ेद को क्या कहा जा रहा है, हरा, तो इसका आंसर हरा हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, ये नहीं कि नीले को सफ़ेद कहा जा रहा है तो ये वाला आंसर नहीं मानना, तो आपको पहले पता करना है कि दूध कैसा कलर का होता है, सफ़ेद कलर का है ना, तो हम ये चीज ढूंढेंगे कि सफ़ेद को क्या कह रहा है और वही मेरा आंसर होगा, उम्मीद करते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे। ओके, नेक्स्ट इसको कीजिए, यदि a इंटू बी बराबर कुछ, ये फार्मूला इसने लिख दिया, तो हमसे पूछ रहा है कि 4 × 9 होता तब फिर क्या आंसर होता, तो कहने का मतलब a इंटू बी बराबर हमसे जो फार्मूला यहाँ पर लीक कर दिया है a प्लस बी रूट अंडर ए बी ये दिया है, तो कहने का मतलब इसका ये है कि a के जगह पर 4 रख देना है और b के जगह पर 9 रख देना है, फिर आंसर क्या होगा, तो फिर पुट कीजिए, a के जगह पर 4 b के जगह पर 9 प्लस रूट अंडर a के जगह पे 4 b के जगह पे 9, यही आपका आंसर होगा, 9 × 4 = 13, 2 प्लस इसका हो जाएगा 2 और इसका हो जाएगा 3, 2 × 6 = 13, 6 = 19, कितना हो जाएगा 19, तो इस तरह के भी क्वेश्चंस पूछते हैं, भले देखिए इस तरह के क्वेश्चंस हमको पता है कि आप लोग अधिकतर स्टूडेंट कर लीजिएगा, लेकिन जो अभी शुरुआत ही किया होगा तैयारी करने के लिए वो तो थोड़ा सा इस क्वेश्चंस को देखकर अचंभित हो सकते हैं कि ये कैसा क्वेश्चंस है ना, तो मेरा थंबनेल पे लगाया हुआ बात तो फिर गलत हो जाएगा कि ये सिर्फ कमज़ोर छात्रों के लिए, यानी कमज़ोर छात्रों के लिए ज़्यादा फायदेमंद हो सकते हैं, है ना, जो कि मौके पर समझ सकते हैं, चलिए देखिए क्या बोले, अब देखिए 1.75, 5.67 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए, तो एक इनमें से एलसीएम होगा और एक इसमें एचसीएफ होगा जो भी डाटा है ना, तो चलिए इसको कैसे फाइंड करते हैं, पॉइंट वाला नॉर्मल तो आप लोग बहुत निकाले होंगे, यहाँ पर क्या है 1.75, 5.6 और ये 7, तो जब इस तरह का हो तो आप इसको सीधा कर लीजिए, कहने का मतलब इसका पॉइंट उड़ाइए नीचे में 100, इसका पॉइंट उड़ाइए नीचे में 10, तो ये तो इसको कहीं ना कहीं पी बाई क्यू के रूप में हमने बदलने का कोशिश कर रहे हैं, तो ये 25 से कितने बार, 7 बार, 25 सेकेंड, हाँ 7 बार, 25 से ये 4 बार, तो ये कितने आए 7/4, ये 2 से 28 बार और ये 2 से 5 बार, ये कितने आ गए 28/5, ओके, और ये 7 है ही, इसके नीचे 1 डाल दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैंने भिन्न वाला का एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए बताया था, अगर आपको एलसीएम निकालना है भिन्न का, यानी इस तरह के भिन्न का, तो ऊपर वाले का आपका एलसीएम लेना होगा,
भिन्न के जितने भी अंश हैं उसका एलसीएम और नीचे वाले का एससीएफ लेना होगा, नीचे वाले का एससीएफ। तो चलिए यहाँ पर देखिए, तो मैं एलसीएम फाइंड कर रहा हूँ यहाँ पर भिन्न का, इन ये भिन्न जो है इसका मैं एलसीएम, तो ऊपर का एलसीएम कितना, 7, 28, 7 है, तो ऊपर का एलसीएम क्या हो जाएगा 28। एलसीएम तो निकाल सकते हैं 7 और 28 और 7 का आप एलसीएम निकाल लिया 28। एससीएफ क्या होता है कि 4, 5, 1 का एलसीएम निकालिएगा, तो इनमें से जो कॉमन होगा वही आपका एससीएफ होगा। तो इनमें से कॉमन क्या है, 1 कॉमन है, तो हमारा एलसीएम 28/1 यानी 28 हमारा एलसीएम आ गया। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो ये दोनों ऑप्शन तो खत्म, अब ये दोनों बचा। अब एससीएफ निकालने के लिए भी मैंने बताया था कि एससीएफ को कैसे निकाल सकते हैं, भिन्न का एससीएफ यानी भिन्न का एससीएफ, तो ऊपर का एससीएफ यानी अंश का आप एससीएफ कीजिएगा और हर का एलसीएम कीजिएगा। बस ये फार्मूला कुछ अलग नहीं है, एलसीएम पूछे तो ऊपर में एलसीएम रखना यानी अंश अंश का एलसीएम कर देना है और हर का एससीएफ कर देना है। अगर एससीएफ पूछे तो अंश का एससीएफ और हर का एलसीएम, ये चीज आपको करनी है। तो एससीएफ ऊपर का एससीएफ कितना होगा, 7, 28, 7। तो एससीएफ तो निकालने के लिए जानते ही होंगे कि जो संख्या तीनों को काट सके, तो यहाँ पर मुझे 7 नजर आया कि तीनों को काट सकता है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? और इसका एलसीएम 4, 5, 1 का एलसीएम निकालिएगा तो कितना निकलेगा, तो ये आपका जवाब होगा कि 20 निकलेगा। आप निकाल कर देखिए ना 4, 5, 1 का, मैं यहाँ पर टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं निकाल रहा हूँ। तो ये कहीं ना कहीं कटाइए पिटाइएगा, तो 2 से कटाइएगा तो 3.5, नीचे 10 बच जाएगा, है ना। तो देखिए नीचे 10 बच जाएगा तो ये 0.35 आएगा, भाग देकर देख लीजिएगा। तो एससीएफ मेरा कितना, 0.35, तो एक ही ऑप्शन में, तो ये हमारा राइट आंसर। अगर इससे भी आप आसानी से करना चाहते हैं तो आपको एक तरीका और बता देते हैं, उससे जल्दी बनेगा। अब ये नहीं बोलिएगा कि दो तरीके से करा दिए या यहाँ पर टाइम वेस्ट कर दिया। तो देखिए जो प्रश्न में लगेगा कि हाँ इस प्रश्न को करा देना चाहिए दो तरीके से, तो ज़रूर मैं उसको कराने का कोशिश करूँगा, क्योंकि उससे देखिए कुछ स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। जैसे मैं कहता हूँ कि इन सभी को पॉइंट ही हटा दीजिए, 1.75 है और यहाँ पर 5.6 है और यहाँ पर 7, तो मान लीजिए सबसे बड़ा नंबर को देखना है, इसका पॉइंट हटाने के लिए कितना से इसको गुना करना होगा, तो आपका जवाब होगा कि 100 से गुना करना होगा। किससे गुना करना होगा, इस बड़े संख्या को देखना है यानी पॉइंट के बाद जो सबसे ज़्यादा नंबर दिखे उसको, तो इस पूरे संख्या को आप 100 से गुना कर दीजिए। तो ये कितना आ गया, 175, ये कितना आ गया 560, ये कितना 700। अब मेरे पास एक नया नंबर मिल गया, 175, 560 और 700, बात समझ रहे हैं। अब इसका आप एससीएफ और एलसीएम निकाल लीजिए इन नंबर का, है कि नहीं। तो मैं इसको 7 से कटाता हूँ, 7 × 2 = 14, 7 × 5 = 35, 7 × 80 = 7। ऐसे मैं इसलिए कटा रहा हूँ कि आप अभी समझ पाओगे कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, देखिएगा। और ये 7 × 100 में, ठीक है। फिर मैं इसको किससे कटा सकता हूँ, 5 से 5 × 25 = 16 और ये 20 × 5, ठीक है। और अब किससे कटेगा, तो आपका जवाब होगा कि और 5 से कट सकता है, 1, 16 और ये 4। अब किससे कट सकता है, तो आपका जवाब होगा कि 4 से कट सकता है, 4, 1, है ना। तो अब हमें एलसीएम फाइंड करनी है और एससीएफ फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैं एससीएफ फाइंड करूँगा, कैसे, अब देखिए क्यों ऐसा मैंने क्यों कहा कि पहले मैं एससीएफ फाइंड करूँगा। तो यहाँ पर देखिए ये 7 क्या 175 को काटा था, तो आपका जवाब होगा कि हाँ बिल्कुल काटा था। इसको भी काटा था क्या, इसको भी भाग पूरी तरह लगा दिया था, हाँ। इसको भी, हाँ, 7 आएगा एससीएफ में, 7 आएगा, ठीक है। ये 5 जो है क्या 25 को पूरी तरह कटाया था, हाँ। 80 को, जी, और 100 को, इसको भी काटा था। इसका मतलब इस 5 को भी मैं लूँगा। क्या इस 5 को मैं अगर देखूँ, क्या इन दोनों तीनों को काटा है क्या, 5 को तो काट दिया, 16 को काट पाया है क्या,
नहीं, तो ये 5 नहीं ले सकता। क्या ये 4 अगर मैं देखूं तो क्या, कहने का मतलब इस 5 को काट पाया होगा? नहीं ना, नहीं इन दोनों को काटा, यानी तीनों को ये 4 नहीं काट पाया है, बात समझ रहे हैं? तो इसलिए जो SCF होगा सिर्फ ये होगा, यानी 7 बचे 35। अभी आपका आंसर नहीं है, थोड़ा सा आप वेट कीजिए। तो ये 35 मेरा SCF निकल गया, 0.35। अब पॉइंट क्यों निकला, अभी इस बात को थोड़ा सा आप समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है? तो यहाँ पर ये 35 निकाला, ठीक है? तो हमने पूरे संख्या को क्या किया था, 100 से गुना, तो आप इसको भी 100 से भाग लगा दीजिए, कितना आया, 0.35। क्या SCF फाइंड हो गया? हो गया ना। अब LCM, तो ये 35 तो आएगा ही आएगा LCM में, लेकिन ये जो 5 बचा है, 4 बचा है, ये 4, इन सब ये सब भी आएगा, 5 चौके 20 चौके 80 गुना में 80। तो ये LCM है, लेकिन इसको मैंने 100 से, पूरे संख्या को 100 से गुना किया था, तो आप यहाँ पर 100 से भाग लगा दीजिए, जो आंसर आएगा वही आपका आंसर। ये 5 से यानी 2 टाइम, ये 5 से 7 टाइम, ये 2 से 4 टाइम, तो ये क्या हुआ, 7 चौके 28। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो ये 28 आंसर आ गया। ये पॉइंट नहीं है, यहाँ पर पॉइंट नहीं, पूरा पूरी 28। तो ये तरीका भी आपके लिए बेनिफिट हो सकते हैं। तो मैंने दोनों तरीका से करा दिया यहाँ पर, जो कि बहुत सारे दोस्त कमेंट भी कर देंगे, आप कुछ क्वेश्चंस को दोनों तरीका से कराया कीजिए, हालांकि उनके उनके अनुसार तो कहने का मतलब सभी क्वेश्चन तो, लेकिन सभी क्वेश्चन दोनों तरीका से कराना पॉसिबल नहीं है दोस्त, ज़्यादा टाइम लग जाएगा। जो तरीका लगे कि हाँ इसको कराना चाहिए, तो उसको मैं बिल्कुल कराने का कोशिश करूँगा। उसको देखिए, एस बराबर 3t/2 है, तो टी को एस प्लस टी के प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है? तो हम एस बराबर, हम मेरे पास क्या है, 3t/2 ये है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं एस अपॉन टी बराबर क्या होगा, 3/2। तो यहाँ पर हमसे पूछा है टी को एस प्लस टी के प्रतिशत के रूप में लिखिए, तो टी का अनुपातिक मान ले लेते हैं, टी का अनुपातिक मान 2, टी का अनुपातिक मान कितना 2, एस प्लस टी का यानी एस प्लस, देखिए यहाँ पर एस प्लस टी का मान कितना हो जाएगा, एस 3 और t 2 5, तो ये 5 का कितना परसेंट है ये पूछ रहा है, 2/5 × % निकालने के लिए 100, तो 20 × 25 = 100, 20 × 2 = 40, तो ये क्या आंसर हो जाएगा, 40%। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, समझिए। नेक्स्ट, और अभी तक अगर आप लोग रुके हुए हैं तो कहीं ना कहीं आपको पसंद आ रही होगी, तो प्लीज दोस्त ज्वाइन कर लीजिए, नहीं तो फिर नहीं मिल पाऊंगा आपको, क्योंकि मैं जल्दी चैनल का नाम लेता नहीं हूँ कि इस चैनल पर जो है इस चैनल को ज्वाइन कीजिए, लेकिन चैनल का नाम नहीं लेता हूँ, इसलिए आपको नाम के बारे में पता भी नहीं होगा कि इस चैनल का नाम क्या, अगर पहली बार आए हैं तो, अन्यथा आप पहले से हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बाद में ढूंढने में आपको आसानी हो। चॉकलेट पर पॉकेट मनी का 1/4 और पिज्जा का 8वां हिस्सा खर्च करने के बाद लड़की के पास 40 रुपये बचते हैं, तो उसके पास पहले कितने रुपए थे, ठीक है? तो यहाँ पर बोल रहा है चॉकलेट पर 1/4 और यहाँ पर पिज्जा पर 1/8, तो मैं यहाँ पर टोटल कुछ एज्यूम कर लूँगा, ये 4 और 8 को देखकर कुछ टोटल एज्यूम कर लूँगा, या तो 8 ही मान लो, मान लीजिए कि टोटल उसका पहले उसके पास रुपए था, भले ही यहाँ पर ये 40 है, मैं मान लेता हूँ कि 8 उसके पास रियल में था, 8 यूनिट उसके पास पैसा था, इस बात को आप भूलिए। तो इसने कहा कि ये पॉकेट मनी उसके पास पॉकेट मनी के रूप में 8 यूनिट था, 8 यूनिट में 1/4 वह चॉकलेट खा गया, तो 8 का 1/4 कितना, 1/4, तो आपका जवाब होगा 2, यानी चॉकलेट पर पॉकेट मनी का 2 खर्च कर दिया, यानी 8 का 2
खर्च कर दिया। फिर कहता है कि पिज्जा पर, यानी पिज्जा पर जो है 1/8, यानी 8 का 1/8 कितना, तो आपका जवाब होगा 1, यानी 1 पिज्जा पर खर्च किया, 1 पिज्जा पर खर्च किया। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, चुटकियों में ये सब आंसर निकलता है, ये सब क्वेश्चंस में कोई जान नहीं रहता है, बात समझ रहे हैं। तो मैंने यहाँ पॉकेट मनी, टोटल पॉकेट मनी 8 यूनिट माना है, तो 8 यूनिट में जो है 2 यूनिट चॉकलेट पे, 1 यूनिट जो है पिज्जा पर खर्च किया, तो 3 यूनिट खर्च कर चुका, 8 में से 3 यूनिट खर्च हो गया। तो जो बचा हुआ पैसा होगा, बचा हुआ तो 8 में से यहाँ 3 ख़त्म, तो ये 5, और 5 की वैल्यू हमारे पास जो कहता है कि 40 रुपये है, 5 यूनिट की वैल्यू 40 रुपये, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना, 8 रुपये, क्या मेरी बात को समझ रहे हैं, 1 यूनिट की वैल्यू 8 रुपये। तो हमसे पूछा कि पहले कितने रुपए उसके पास कितने थे, नहीं उसके पास पॉकेट मनी के रूप में कितने रुपए थे, ये बात हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर हमने कितना माना, 8 यूनिट, तो हमें 8 यूनिट की वैल्यू निकाल लेनी है, 8 यूनिट की, तो 1 यूनिट की वैल्यू 8 है, तो 8 यूनिट की वैल्यू 64 हो जाएगा, इसको 8 से मैंने गुना कर दिया, तो इसको भी आप 8 से गुना कर देना, ओके, 8 को 8 से तो 64, तो ये हमारा 64 रुपया राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि आप कुछ भी मान सकते हो, 8 और 4 के मल्टीपल में कुछ भी ये पॉकेट मनी मान सकते हो, कुछ भी, जो भी हो, बात समझ रहे हैं, कुछ भी मान सकते हो, आंसर आपका आ जाएगा, ओके। और इससे आपका आसानी मतलब कि आसान तरीके से आंसर आएगा, ओके। नेक्स्ट, देखिए 8, 5, 8, 13 कुछ इस प्रकार का डाटा है, तो आप जानते हैं कि मैं ज़्यादा आपको क्या, मैं किसी को ज़्यादा वालाता फुजलाता नहीं हूँ कि मतलब कि सोचिए इसका आंसर क्या होगा फलना ढिकलना, मैं डायरेक्ट आपको आंसर कराने की कोशिश करता हूँ जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, है ना। तो यहाँ पर क्या किया है, 5, 8, 13, यानी इस 5 में 8 को जोड़ दिया 13 हो गया, इस 8 को 13 में जोड़ दिया तो 21 हो गया, इस 13 में 21 को जोड़ दिया तो 34 हो गया, इस 34 में 21 को जोड़ा तो 55, तो इसमें आप इसको जोड़िए तो 5, 4, 9, लास्ट में 9 होनी चाहिए, ऑप्शन में लास्ट में 9, एक ही ऑप्शन में ये राइट आंसर। हालांकि आप करके भी देख सकते हैं कि यहाँ पर 5, 3, 8 है, हुआ ना 89, वहाँ के बाद फिर इसमें इसको मैंने जोड़, यानी इसमें इसको जोड़ेंगे तो इतना ज़रूर आएगा। तो बस ये एक सीरीज चल रहा था, इसमें कई तरह के क्वेश्चंस होते हैं, कई टाइप के होते हैं, मैंने जो कहा है ना कि अधिकतर टाइप का मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा और कम समय में बहुत सारे चीज आपको दे दूंगा, तो आप लोग बने रहिए चैनल पर, कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिट ही होंगे, इतना जगह बौखे हैं ना, कितना बेनिफिट हुआ है रियल में बताइए। और मैं कहता हूँ मेरा ज़्यादा दिन नहीं, आप मेरा ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 वीडियो देखिए, आपका मैथ के स्कोर में ना, मतलब कि कहने का मतलब प्रेफरेंस जो आपका परफॉर्मेंस होगा ना अच्छा हो जाए तब फिर कहना कि नहीं मंडल जी आप गलत कह रहे हैं, ओके। तो यहाँ पर देखिए, कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, इसकी मान हमसे पूछ रहा है, इसका भी मैं दो तरीका आपको बता सकता हूँ, जैसे यहाँ पर देखिए कैसे, चलिए यहाँ पर कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोस, इसको या तो आप चेंज कर लीजिए, क्या है हमारे पास कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये है और इसमें ऑप्शंस कुछ दिए हुए, तो मैं कोट स्क्वायर थीटा को मैं चेंज कर देता हूँ, इसको हम लिख सकते हैं कि कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ से कोस को कॉमन ले लें, कोस को कोस स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं कोस स्क्वायर थीटा को, तो बच क्या गया 1/ साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से ये भी तो आप कह सकते हैं कि कोस स्क्वायर थीटा तो इधर रह गया, तो ये 1/ साइन थीटा बराबर क्या, तो आपका जवाब होगा कि
कोसेक स्क्वायर थीटा है ना। तो ये कहीं ना कहीं मैं एक स्टेप को यहाँ गायब कर रहा हूँ, थोड़ा सा इधर लिख रहा हूँ ठीक, इनटू यहाँ पर जो भी आएगा, तो ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बनेगा, और इतना बराबर होता है कोट थीटा, क्या होता है कोट स्क्वायर थीटा, ये बात ध्यान रखिएगा। नहीं इस पूरे को सोल्व कीजिएगा तो कोट स्क्वायर थीटा आएगा, जब ये भी दोगो समझिए कोस भी दोगो देखो कोस बाहर, और ये कोट भी दोगो देखो कोट बाहर, और यही तो हमें ऑप्शन में दिख रहा है कोस इनटू कोट, तो यही राइट आंसर है। हालांकि इसका करने का एक और तरीका है जो कि ज्यादा बेनिफिट करेगा उस तरीके से, देखिए कैसे, वन मिनट, ये नया ऐप जो मैंने लिया है थोड़ा सा अभी हमारे लिए चलाने के लिए जो है अनकम्फर्टेबल है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसको बहुत जल्द सीख जाऊं, क्योंकि अच्छा फीचर लग रहा है इसमें, करने में मज़ा आ रहा है लिखने में। तो देखिए मैं इसको कैसे कर सकता हूँ और एक तरीके से जो कि ज़्यादा अच्छा होगा, देखिए अब थीटा को कुछ मान लीजिए, आपका जो मर्जी हो, 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री कुछ भी मान सकते हैं, मैं यहाँ पर थीटा को 30 डिग्री मान रहा हूँ ओके। तो कोट स्क्वायर 30 डिग्री रूट अंडर तो है ही, माइनस कोस स्क्वायर 30 डिग्री, अब इसका वैल्यू तो आपको पता होगा 30 डिग्री का मान कितना होता है ना, तो कोट 30 डिग्री का मान कितना रूट थ्री, और स्क्वायर है तो रूट थ्री का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा 3 है ना, माइनस कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है तो रूट थ्री बाई टू होता है ना, और रूट थ्री बाई टू का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना 3/4, 3/4, तो यहाँ से इसको सोल्व कीजिएगा 3 × 12 = 9/4, तो इसका आंसर कितना आ गया 3/2, कितना आ गया 3/2। अब ऑप्शन में आप कहने का मतलब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, अब ऑप्शन में आप जितना यहाँ पर पुट किए हैं, क्यों नहीं भाई मिट रहे हो, देखिए कहने का मतलब यहाँ पर अब ऑप्शन में ऑप्शन ये तो नहीं हो सकता है ना आंसर, क्योंकि ये 3/2 आ गया है, इसका कुछ ना कुछ वैल्यू आ गया है, तो ये वाला नहीं हो सकता। तो अब ऑप्शन में आप पुट करके देखिए, क्या यहाँ पर मैं 30 डिग्री पुट कर दूंगा तो आंसर हो जाएगा, या यहाँ पर पुट कर दूंगा तो आंसर हो जाएगा। तो हमें तो अब आंसर पता चल गया कि इसमें पुट करने पर होगा, हालांकि आप अगर आंसर पता नहीं रहता तो डायरेक्ट आप एक दो को चेक कर लेते हैं। तो कोट 30 डिग्री का मान कितना होता है रूट थ्री, और कोस 30 डिग्री का मान रूट थ्री बटे दो, तो ये रूट थ्री इंटू रूट थ्री 3/2, क्या इसका आंसर सेम आया, जो आंसर ये आया वही आंसर ये आया ना, तो ये राइट आंसर, बात समझ रहे हैं। तो ऐसे भी इसको कर सकते हैं, नेक्स्ट अरुण एक रंगीन टेलीविजन 16,000 रुपये में नगद भुगतान करना चाहता है, अरुण एक रंगीन टेलीविजन के लिए 16,000 का नगद भुगतान कर सकता है ठीक है। 2 वर्ष बाद बाला नाम की कोई व्यक्ति और आता है, उसी टेलीविजन को इतना रुपया में खरीदना चाहता है, तो अधिसाधारण ब्याज की दर से 5% प्रति वर्ष है, तो दुकानदार को कौन सा सौदा बेहतर होगा, कौन सा सौदा बेहतर होगा, बात समझिएगा कि 2 वर्ष के बाद अगर बाला आए और वो इतना रुपया देकर निकल जाए, या फिर 5% के रेट से 5% के रेट से 2 वर्ष के बाद कोई व्यक्ति आए तो फिर जितना पैसा देकर जाएगा उसमें फायदा होगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ से ये 16,000 का जो यहाँ पर साधारण ब्याज लगा दूंगा, क्योंकि साधारण ब्याज ही कहा है 5% टाइम कितना 2 वर्ष, तो इसका मैं हिसाब किताब देखूँ तो यहाँ से SI कितना आ रहा है 5×10 यानी 1600 रुपया आ रहा है ना, एक्स्ट्रा 1600, और यहाँ पर ये डायरेक्ट देता 2 साल के बाद, तो इतना, मेरी बात को तो यहाँ ध्यान से सोचने का कोशिश कीजिएगा तभी जाकर आपको ये बात बेहतर समझ में आएगा। तुम यहाँ पर दाम कितना 1600 प्लस ये 1600 एक्स्ट्रा लगेंगे,
2 साल के बाद अगर चक्रवृद्धि ब्याज पर वो दे तो यहाँ से अगर देखा जाए तो 6-7 इतना 17,600, कितना 17,600 इतना लगेगा। और अगर डायरेक्ट दे तो बाला उसी टेलीविज़न को इतना रुपया में ख़रीदना चाहता है 2 साल बाद डायरेक्ट बिना ब्याज पर, या तो फिर ब्याज पर दे तो 5% के रेट से 2 वर्ष में इतना। तो बताइए ये वाला ज़्यादा अमाउंट है कि ये वाला या अरुण को, कहने का मतलब अरुण को देने में फायदा है कि 5% पर, या बाला को देने में फायदा है 2 वर्ष बाद इतना रुपए पे। तो आप बताइए कौन सा फायदा होगा। तो आप सीधा सीधा देख रहे हैं कि यहाँ 776 है, यहाँ ज़्यादा फायदा है किसको देने पर, बाला को। तो ये बाला से ज़्यादा बेनिफिट कमा सकते हैं, इसके लिए सौदा बेहतर होगा। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? उम्मीद कर रहे हैं कि आप समझ पा रहे होंगे। ओके नेक्स्ट, तो ये रीजनिंग आप कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है, कौन सा बर्चो का 48 में 2 गया 6, 18 या 54 में 2 जाएगा, तो अच्छा 4 गुना हुआ था, तो इसका भी आप 4 गुना देखिए, ये 4 गुना होकर 2 घट गया है, तो इसमें भी 4 गुना करके 2 घटा दीजिए। 18 चौक 72 में 2 गया 70, यहाँ पर कितना हो जाएगा 70, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 70। ओके नेक्स्ट, देखिए दोस्त, अगर आपको लग रहा है कि स्लो चल रहा है तो थोड़ा आप स्पीड बढ़ा लीजिए, मोबाइल में तो ऐसी सेटिंग होगी 2x 1x करने का, तो उस तरह से कर लीजिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। हालांकि अगर लग रहा है कि फास्ट है तो आप स्लो भी कर सकते हैं, ऐसा दोनों ऑप्शन आपके पास होगा, आप कुछ भी कर सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर लग रहा है स्लो तो आप फास्ट कर लीजिएगा, ताकि इतना फास्ट कीजिएगा ताकि मैं समझ सकूं, यानी आप समझ सको। तो यहाँ पर देखिए कुछ ना कुछ इन सब में कुछ ना कुछ रूल लगकर ये 8 बना होगा, इनमें कुछ ना कुछ लगकर ये 12 बना होगा, तो इसमें ही कुछ ना कुछ लगाकर बनाना होगा। तो यहाँ पर कौन क्या चीज़ लगा होगा, तो इसको आप सोचिए कि अगर मैं 4 चौक 16 को भागा 2 से दे दें तो 8 आ जाता है, 8 3 24 को भागा 2 कर दें तो ये 12 हो जाता है, तो 6 7 42 को भागा 3 से कर दें तो 14 हो जाएगा। ये तो डायरेक्ट आंसर हो गया, जैसे कहने का मतलब इसका मतलब गुना है और इसका मतलब भागा, यानी ये डॉलर का चिन्ह जो इसका मतलब गुना है और इसका मतलब जो है हैशटैग का मतलब भागा है और कुछ नहीं। तो इसी तरह यहाँ गुना ये भागा, तो यहाँ गुना ये भागा, आप डायरेक्ट माइंडली भी सोच सकते हैं, है ना। नेक्स्ट, राजा की आयु अरुण की आयु से 3 गुनी है, 3 वर्ष पहले उसकी आयु अरुण की आयु से 4 गुनी थी, तो राजा की वर्तमान आयु कितनी होगी, राजा की वर्तमान आयु कितनी होगी। तो एक राजा नाम की कोई व्यक्ति है, दूसरा अरुण, जो कि अरुण से 3 गुना आयु है, यानी अगर इसका अनुपात में लें 1 तो इसका राजा का 3 गुना। फिर कहता है 3 वर्ष पहले, अच्छा 3 वर्ष पहले उसकी आयु अरुण से 4 गुनी है, अगर अरुण 1 की है तो ये 4 गुनी है, कब, 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले। क्या मेरी बात को समझ रहे? तो इसको करने का देखिए शॉर्टकट ही मैं बता रहा हूँ, बाकी बाद आप अगर चाहो तो बेसिक भी थोड़ा सा मैं हिंट्स दे दूंगा, आराम से कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का गैप समान होना चाहिए, क्योंकि 3 वर्ष पहले की बात की है, तो दोनों में अंतर समान ना होना चाहिए, दोनों का ये जो अंतर है वो समान होना चाहिए। तो हमको इस अंतर को इक्वल करने के लिए, यानी इस अंतर को इक्वल करने के लिए, जैसे यहाँ पर 3 और 4 का अंतर 1 है, लेकिन यहाँ पर 1 और 1 का अंतर कितना 0 है, इस अंतर को समान करने के लिए इसका अंतर लीजिए, 3 में 1 जाएगा तो कितना 2 का अंतर है, और इसमें कितने का अंतर है, 3 का अंतर है, 4 और 1 में 3 का अंतर। तो अब थोड़ा सा इधर से एक डाटा बना लीजिए, राजा और अरुण, अब जो यहाँ पर आया है उसको ऊपर वाले से गुना कर दीजिए, और जो यहाँ पर आया है उसको नीचे वाले से गुना कर दीजिए, तो ये 3 3 9 और ये 3 1 3, ये 3 चौके
और ये तीन का दोस्त क्या ऊपर वाला दो था ना, तो दो चौके आठ और दो एका तो अब देखिए यहाँ का गैप भी कितना वन और यहाँ का भी गैप कितना वन, तो इसी वन गैप का मान हमारे पास तीन वर्ष है, क्या है तीन वर्ष। तो हमसे पूछा क्या है कि राजा की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो एक का मान तीन तो राजा की वर्तमान यहाँ पर क्या है नौ। अब इसको नहीं लेना है, इसको कोई हालात में नहीं लेना है, इसको लेना है तो यहाँ अनुपात में कितना नौ, यानी एक अनुपात का मान तीन तो नौ अनुपात का मान कितना, तो ये नौ गुना हुआ है तो इसका भी आप नौ कर दीजिए सत्ताईस, ये कितना हो गया सत्ताईस वर्ष। देखिए एडवांस स्टूडेंट जो होते हैं, मतलब कि जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं, वह जो आप सोचिएगा कि बेसिक तरीका से करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, इससे भी शॉर्ट मेथड से करेगा, ये बात मान लीजिए। ये तो कुछ ठीक ठाक शॉर्ट है लेकिन इससे भी शॉर्ट होता है, मैं बताऊंगा किसी वीडियो में कि इससे भी शॉर्ट आपको कैसे करना है, ठीक है। तो फिलहाल इस तरीके को आप सीखिए जो कि आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए इसको अगर आप तरीके से करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्या कहा है कि राजा की आयु को हम 3x मान लेते हैं और अरुण की आयु को 1x और इनमें कुछ ऐड किया है, इनमें कुछ ऐड किया, कितना ऐड किया है तीन वर्ष, अच्छा तीन वर्ष पहले की बात कर रहा है, तीन वर्ष तो इनमें तीन वर्ष पहले घटाइए, इसमें भी तीन वर्ष घटाइए और जी अनुपात बन गया 4:1 बन गया, क्या बन गया 4:1। इसको हल कीजिए, एक्स का मान निकलेगा, फिर यहाँ पर पुट कर दीजिएगा, बात समझ रहे हैं, जो वो आपका आंसर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट देखिए, तो ये तरीका था, ये तो आपका बेसिक हो जाएगा, ये बाकी बात शॉर्टकट है, आप अप्लाई कर सकते हो ऐसे। चलिए नेक्स्ट इस क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। तो पांच में एक घटाया, देखिए यहाँ पर मैं इस संख्या को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, पांच चार छ और 15 56 ऐसे मैं लिख रहा हूँ, इस पे मैं एक घटाऊंगा और एक से गुना करूंगा तो कितना आएगा चार। इस पे मैं कहने का मतलब देखिए, फिर मैंने गलती कर रहा है कुछ, पाँच से चार आया है, पाँच गुना एक माइनस एक, अच्छा ऐसे करना है। यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, इसका मिटोनी कुछ बड़ा हो गया है, छोटा करना होगा, यहाँ पाँच गुना एक माइनस एक क्या हो जाएगा तो चार, चार गुना दो माइनस दो, चार दूनी आठ में दो गया छः और यहाँ पर छः गुना तीन माइनस तीन, छः थी 18 तीन गया 15, फिर उसी तरह से 15 गुना चार माइनस चार, तो ये 15 चूँकि 60 में चार गया 56, तो उसी तरह 56 गुना पाँच माइनस पाँच, तो 5 6 30 में पाँच, लास्ट में पाँच आना चाहिए एक ही ऑप्शन में, तो इसको गुना कीजिए और यहाँ पर पाँच घटाइए, देखिए लास्ट में 275 आ जाएंगे, है ना। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगा इस बात को समझिए कि इस पाँच को एक से गुना किया और उसी एक को घटा दिया, इस चार को दो से गुना किया उसी दो को घटा दिया तो अगला संख्या मिला है, तो जैसे यहाँ पर इस छः को तीन से गुना किया उसी तीन को घटा दिया तो अगला संख्या मिला है, तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट लगा हुआ है और दूसरा कोई कॉन्सेप्ट नहीं, तो समझिए। नेक्स्ट देखिए, कौन सी संख्या निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को बेहतर रूप से पूर्ण करेगी, तो यहाँ पर कौन सा नियम लगा सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए 13 3 39 में एक घटा है तो 38 बना, यानी तीन गुना करके एक घटा दिया, तो इसमें भी आप तीन गुना करके एक घटाइए, 17 3 51 माइनस एक तो ये क्या हो जाएगा 50, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। बिल्कुल इजी सब क्वेश्चंस हैं, बेसिक हैं, बस
आपको तरीका ध्यान में रखना है। देखिए दोस्त, रीजनिंग वो चीज़ है, अगर आपके दिमाग में एक बार में घुस गया तो वो सेकंडों में बनेगा, नहीं तो दिन भर भी लगा दीजिएगा तो जल्दी नहीं बनेगा। रीजनिंग की ये एक खासियत है। ओके नेक्स्ट, देखिए ये क्वेश्चंस बेहतरीन है। ओके करने का कोशिश कीजिए। देखिए निम्नलिखित में से किस संख्या में सबसे अधिक भाजक है, तो इसका भाजक निकालने के लिए सबको तोड़ना पड़ेगा। 200 का अगर आप तोड़ें तो क्या निकलेगा, 2 गुना 100 बनेगा, 2 गुना 100 200, यानी 5 25 25, 5 का स्क्वायर गुना 2 का स्क्वायर 100, तो कुछ इस प्रकार से टूट जाएगा। यानी 2 कितने बार 1 और 2 3 बार, 2 कितने बार आया है 3 बार, और 5 कितने बार 2 बार। अगर नहीं समझे तो फिर से मैं समझाने का कोशिश करता हूँ। देखिए कैसे हो सकता है, यहाँ पर किसी को ना घुस मतलब कि दिमाग में ना आटा हो कि इस चीज को मैंने कैसे लिख दिया। ओके तो यहाँ पर समझिए, मैंने यहाँ पर किया क्या, 200 को मैंने तोड़ा 2 से, 100 2 से, 50 2 से, 25 और ये 5 से, 5 बार। तो 2 कितने बार आए, 3 बार, तो यहाँ पर ऐसा लिखा। 5 कितने बार आया, 2 बार, तो यहाँ पर लिखा। उसी तरह फिर मैं 172 को तोड़ूंगा, किसको, 172 को। हालांकि ऐसा आप सोचिएगा कि इसका डायरेक्ट कोई मैं आंसर बता दूं तो नहीं हो सकता है, यह तरीका आपको यहाँ पर अप्लाई करनी होगी। अच्छा क्वेश्चन है, 2 से 8 6, 2 से 43 बार में, यानी ये जो आ गया 2 गुना 2 गुना 43। हालांकि मैं इसे मन ही मन तोड़ सकता हूँ, मैं जो है इसको मन ही मन तोड़ सकता हूँ। यहाँ कहने का मतलब देखिए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी यहाँ जो 2 कितने बार आया, 2 बार, और ये 43 कितने बार आया है, 1 बार, तो यहाँ पर 1 लिख दीजिए। फिर अब 156 को तोड़िए, 156 को 2 से 7 दुनी 8 दुनी 2 से 38 दुनी 39 दुनी 78, 3 से 13 बार, तो यहाँ पर जो आया 2 पर पावर 2, 3 पर पावर 1, यानी 3 का 1 और 13 का 1 है ना। अब 240 को तोड़िए, तो मैं इधर तोड़ रहा हूँ 240 को, तो यहाँ पर देखिए 2 से 120, 2 से 60, 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5, तो 2 का 1, 2 3 4 गो, 2 4 गो, और 3 कितने गो, 1 गो, और 5 1 गो, तो इतना। अब अभी भी आप नहीं कह सकते कि आपका आंसर आ गया, हाँ समझ रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ इस क्वेश्चन को करना चाहिए, या 5। अब देखिए जो पावर है 3 है ना, उसको 1 बढ़ा कर लीजिए 4, यहाँ 2 है ना, उसको 1 बढ़ा कर 3, तो ये कितना आया, 4 3 12, पावर को बढ़ा कर लिखना है 1 1, और उसको गुना कर देना। जैसे यहाँ 2 है, 2 में 1 बढ़ाया 3, यहाँ 1 है, 1 में 1 बढ़ाया 2, तो 2 3 6। उसके बाद उसी तरह यहाँ पर कितना है, 2 पावर में कितना है, 2, 2 में 1 बढ़ाइए 3, यहाँ पावर में कितना है, 1, 1 में 1 बढ़ाइए 2, इस पावर में, इसके पावर में कितना है, 1, 1 में 1 बढ़ाइए 2, तो इसको आप गुना कीजिए तो कितना आता है। पहले मैं इधर का थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ, ये चीज़ आप समझ चुके होंगे कि मैंने क्या किया। ओके तो यहाँ पर देखिए, तो इतना आया, तो 4 3 12, फिर इसको 2 पर पावर 4 है, यानी पावर कितना, 4, तो 1 बढ़ाइए 5, पावर में बढ़ाना है, पावर में 1 में 1 बढ़ाइए 2, 1 में 1 बढ़ाइए 2, तो 2 2 4 5 20, तो सबसे अधिक मान किसका आया, तो आपका जवाब होगा कि ये 240 वाला का, तो यही इसी का सबसे ज़्यादा भाजक है, बात समझ रहे, सबसे अधिक भाजक है, मतलब ये इसी संख्या को सबसे अधिक संख्या से विभाजित किया जा सकता है, बात समझ रहे हैं।
ये राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, और देखते हैं कितने क्वेश्चन इसमें हैं। मैंने लगभग 30 क्वेश्चन के आसपास लिया था। ओके नेक्स्ट देखिए, 31, 29, 24, 25, तो इसमें से सीधा कुछ ना कुछ मतलब कि सीरीज ही चलता होगा, तो देख लेते हैं क्या सीरीज है। 17, 5, 22, 3, 22, 2, 24, फिर यहाँ पर 5, फिर यहाँ पर 2, तो यहाँ देखिए दो 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 का डिफरेंट हो रहा है, पहले 2 फिर 5 उसके बाद 2 उसके बाद फिर 5, लेकिन माइनस हो रहा है। क्या हो रहा है? माइनस। क्या हो रहा है? माइनस। तो यहाँ पर माइनस 5 आया, तो यहाँ पर अब माइनस 2 आएगा, 17 में 2 जाएगा तो कितना 15, तो ये आपका 15 राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको सीरीज पकड़ने के लिए आना चाहिए, थोड़ा बहुत नहीं आता सीखिए समझिए देखिए और क्या कह सकते हैं। इसमें देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से बेजोड़ को ज्ञात कीजिए, तो अलग चुनना है, बस कुछ नहीं है, आप रेखा को गिनिए। मैं यहाँ पर गिन रहा हूँ 1, 2, 3, 4, 5, इसमें टोटल कितनी रेखा है? 5, 1, 2, 3, 4, 5, इसमें भी कितनी है? 5, इसमें गिनिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसमें 6 गो है, इसमें 1, 2, 3, 4, 5, इसमें 5 गो, तो सबसे अलग अलग कौन सा दिख रहा है? तो आपका जवाब होगा कि ये जो है सी, वह सबसे अलग है। ओके नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चंस खत्म हो गया है। मैंने इसको यानी पिछले वीडियो में पूछा था इस क्वेश्चन को कि बताइए कि निम्नलिखित में किसका बीज प्रोटीन एवं बसा का बसा तेल का प्रचुर स्रोत है? तो ये सोयाबीन। ये क्या है? सोयाबीन। वो सोयाबीन नहीं जो बड़ी टाइप का होता है, जो हमारे मतलब कि अब दो तरह के सोयाबीन होता है, एक बीज वाला और एक जो जिसका सब्जी बनाकर खाते हैं वो वाला। तो ये सोयाबीन कुछ अलग होता है, इसका बीज लाहार, लाहार जानते हैं हम लोग इधर, लाहार को देखिए क्या कहते हैं, तुरई या ऐसे कुछ का, उसी के बीज से थोड़ा सा बड़ा होता है जिसको हम सोयाबीन कहते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन एवं वसा होती है, बात समझ रहे हैं? हालांकि वो सोयाबीन जो बरी होता है उसमें नहीं, तो ये कन्फ्यूजन में नहीं रहिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोयाबीन। और आज के लिए देख लीजिए जो आपको देना है आंसर, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है, यानी यूनिवर्सल डोनर के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन 4 को है, ए बी, बी, ओ नेगेटिव, ए, तो इनमें से जो भी ऑप्शन होगा आप कमेंट करके आंसर दे दीजिएगा। तो देखिए अब कुछ ब्रांडिंग हो जाए, अब यहाँ पर देखिए इतना दूर तक अगर रुकें तो कहीं ना कहीं आप इंटरेस्टेड हैं, अगर चाहते हैं कि हमारी वीडियो आप तक हमेशा मिलती रहे, हमेशा क्या प्राय जब तक कि आपका एग्जाम ना हुआ हो तब तक अगर मिलती रहे, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और रुके हैं तो अगर पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं तो फिर आपके लिए डिसलाइक की बटन खुली है, आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। लेकिन अगर पसंद आ रही है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। आप पर मैं कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ, वो आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। हालांकि तो आप समझदार रहिए, देखिए इससे और हो सके तो एक स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए, जिससे आपके साथ साथ और भी मेरे साथ जुड़ सके, औरों को भी फायदा मिल सके, बात समझ रहे हैं? तो इतना चीज आप जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।